या 370? 370 के प्रावधान हटाए गए हैं, 370 आर्टिकल है, लेकिन जो उसके विशेष प्रावधान थे वही खत्म हो गए हैं, वही क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए। 370 में जम्मू कश्मीर की चर्चा थी, किसकी चर्चा थी? देखिए, जब संविधान बना था तो उस समय जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं था, ये हम आपको बता दिए थे। हरी सिंह को लगता था कि अलग देश बना लेंगे, बाद में हरी सिंह को लग गया कि आज़ादी के बाद ऐस मार मारा सब पाकिस्तान वाला ना, उनको होश ठिकाने आ गया। वहां पर आज़ादी मिला 15 अगस्त 1947 को, समझ गया, और एक दिन पहले उसको हो गया था, तो पैदा हुआ था, आज़ादी क्या हुई थी उसको। हम अपने दादा से पाकिस्तान के बाद एक बार बोले तो दादा मेरे घुसिया गया, कौन ची ओकरा के बारे में बोलत रहो, हमरा से उम्र में छोट हो। मेरे दादाजी कह रहे थे हमसे छोट, हमरी सामने पैदा भइल ओकर छठियार देख ले बनिया। हम तो दादाजी नहीं है, बहुत तेज घुसिया, कहते ओकरी के बात मत कर गलो। भोजपुरी आप लोग के घर नहीं बोला जाता है? क्या हम भोजपुरी, दादा दादी भोजपुरी बोलते थे लोग। आगे बढ़े तो जैसे देश क्या हो गया, आजाद हुआ, तैसे पाकिस्तान थूरना चालू किया, किसको? हरी सिंह। हरी सिंह को लगता था पाकिस्तान बहुत बढ़िया है, यहाँ पर ऐसा अभद्रता किया, सब लड़की सबको किडनैप करके लेके चल गया, चार चार पांच पांच गो की सबसे हम ही ब्याह कर लेंगे, चार गो पांच गो से, बताओ ये कितना उटपटांग चीज है। मतलब घोड़ा गधा जोन मिला लूट लिया सब, घर द्वार जितना मिला सब, मतलब ना ऐसे लड़ाई कर, कबाइली टाइप का था सब वहां पे, अपहरण हत्या लूट एकदम। हरी सिंह को लगा कि बाप रे बाप, जोनो बच्चा ले मिल लो यहाँ पे। 26 अक्टूबर को सरेंडर किए, 26 अक्टूबर 1900 सितंबर अक्टूबर, कुल ले दे के दो महीना में ऐसा तांडव किया सब जिसका कोई हद नहीं। अब जैसे साइन हुआ, जवाहरलाल नेहरू को पावर मिल गया, जवाहरलाल नेहरू को क्या मिल गया, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था ना तो सेनापति हमारा नहीं था, ब्रिटेन का था, और सेनापति कह रहा है नेहरू से कि हम कश्मीर पे कैसे सेना भेज दे, कश्मीर तो आपका नहीं है क्योंकि हरी सिंह ने साइन नहीं किया। जिन्ना का भी सेनापति विदेश का था, उसका भी सेनापति किसका था, ब्रिटेन का। जिन्ना कहा कि कश्मीर कब्जा करिए, तो कहता है कि हम कैसे कर देंगे, हरी सिंह ने तो साइन ही नहीं किया। जिन्ना कहा डोंट वरी, आई हैव सेकेंड आर्मी, आतंकवादी भेजो। सेकेंड आर्मी उसका कबाइली भेजा, आर्मी थोड़े भेजा था, कबाइलियों को भेजा, वही ना अनडिसिप्लिन देता, आर्मी तो डिसिप्लिन मारती है पूरा, उसका टारगेट है कब्जा करना तो कब्जा करना, बकरी खोल के नहीं ले जाएगा, बढ़िया बकरी है ले चलो। ऐसा थोड़े थे, अब वो कब्जा हो गया। इधर जैसे हरी सिंह साइन किए, हरी सिंह जैसे साइन किए, वहां पे जो अंग्रेज सेनापति था उसको पावर मिल गया, उसने आदेश दे दिया कि आप जा सकते हैं। अब यहां से लेके चले गए ब्रिगेडियर उस्मानी, ब्रिगेडियर उस्मानी को पाकिस्तान ने बड़ी लालच दिया, हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ आ जाइए। तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि आ ही तो रहे हैं, आ तो रहे हैं, मारे धो दिए यहाँ से, एक इंच आगे नहीं बढ़ पाया पाकिस्तान वहां से, 26 अक्टूबर के बाद एक इंच नहीं बढ़ पाया वहां पे। बस ये साइन हरी सिंह जल्दी कर दिए रहते ना, तब हो गया रहता। ब्रिगेडियर उस्मानी रेडी टू मूव थे, एकदम स्टैंड बाई पे रखा गया था वहां पे। अब पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा था, कहने आ रहे हैं, उनको लगा कि आ रहे हैं, मार के धो दिए वहां पे। नौशेरा का शेर कहा जाता था, बाद में उनको आरपीजी मतलब ब्लास्ट होके हो गया, समझ आ गई नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं। तो 26 अक्टूबर को क्या बना, साइन हुआ, बड़ा मान मनोवल से साइन हुआ, बहुत साइन करने में मान मनोवल। हरी सिंह का जो सलाहकार था ना, शेख अब्दुल, कौन, शेख, बड़ी तेज दिमाग लगाया, उसने कहा कि हमें एक विशेष प्रावधान दीजिएगा तभी हम जुड़ेंगे, हमारा संविधान अलग होगा। उस समय इतना मारधाड़ चल रहा था, इतना मारधाड़ चल रहा था कि कहा गया कि भैया कुछ भी हो जाए आ जाओ तुम यहाँ पर, तो जोड़ लिया गया यहाँ पर। और 26 जनवरी 1957 जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान लाया, जोड़ दिया किसमें, 370। उस समय तत्काल जोड़ लिया गया किसमें, 370 में, और उसको अधिकार दिया गया कि तुम अपना विशेष अधिकार इसी में चिपकाते रहना, 370 में, 370 ए बी सी डी सब उसी में सटाते रहना वहां पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 370 तो जल्दबाजी में था, आने वाली पीढ़ियां भले हम लोग को गरी आएगी कि कैसा आदमी था जो कोरोना में मर गया सब, क्योंकि 100 साल के बाद कोरोना एक खांसी सर्दी हो चुका रहेगा, 2 रुपए के टेबलेट में ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी काम के नहीं थे। आज हम लोग कहते मतलब मलेरिया में कैसे मर गया रे भाई, मलेरिया में द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों लाखों लोग मर गए, आज मलेरिया
आज मछड़वा काट के कहता है अरे मत काटो यार मलेरिया हो जाएगा जाओ, उस समय मलेरिया। तो आज के समय में आप भले ये कह सकते हैं कि उस समय किसी की एक की गलती आप ठहरा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि उस समय की स्थितियां ऐसी थी। तो जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना? 26 जनवरी।